हम जब फिफ्थ हाउस के बारे में बात करने जा रहे हैं तो पहले ये जानना होगा फिफ्थ हाउस जो पहला चीज़ फिफ्थ हाउस क्या करता है जो इस हाउस को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। ये दर्शाता है बहुत सारे चीज़, लेकिन उनमें से जो चीज़ पहले आता है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में सबसे पहला काम वो करता है, वो है मोटिवेशन। फिफ्थ हाउस व्हाट मोटिवेट्स यू। फिफ्थ हाउस को ठीक तरह से एनालाइज किया जाएगा तो देख देख पाओगे क्या आपको ज़्यादा, कौन सा चीज़ आपको ज़िंदगी में मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। मोटिवेशन के बिना आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मोटिवेशन मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, मतलब क्या, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात आ जाता है तब। अब कुछ करने के लिए मोटिवेटेड हुए मतलब क्या, आप खुद को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अंदर ही अंदर आपका सब सब चीज़ घुट के मर जाएगा ऐसा नहीं है। आप सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहते हो, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो। किसके सामने एक्सप्रेस करोगे? दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करोगे। दुनिया के सामने एक्सप्रेस करके आएगा क्या आपको? आपका फॉलोअर्स, आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, बहुत सारे फॉलोइंग्स होंगे, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे आपको। किस लिए सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहते हो? ताकि बहुत सारे लोग फॉलो, या तो बहुत सारे लोग फॉलो करें, या सोसाइटी के लिए आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फील करते हो, दोनों में से एक। और ये जो जो चीज़ मैंने अभी तक कहा, ये सब फिफ्थ हाउस का मैटर है। जैसे फिफ्थ हाउस के साथ वीनस जुड़ जाता है, वो आपको सेल्फ एक्सप्रेशन आप करते ही हो, सिर्फ और सिर्फ खुद के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, खुद के अटैचमेंट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन जुपिटर जुड़ जाता है तो आप कुछ भी जब करते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, तो औरों के लिए ही करते हो, विदाउट दी सेल्फिशनेस ऑफ माइंड। वो करते करते आप पॉपुलर हो गए, वो अलग बात है, लेकिन करते आप लोगों के लिए। अभी जो देखने वाला है उसके अगर फिफ्थ हाउस के साथ वीनस कनेक्टेड है, या राहु कनेक्टेड है, या मार्स कनेक्टेड है, कनेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे कनेक्शन देखा जाता है, तो वो बंदा आप अगर अच्छे के लिए ही कर रहे हो सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी में कुछ ताकि सोसाइटी में जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप कुछ उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो लोग हैं जिनके फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, वो हमेशा ही सोचेंगे कि आप खुद के फायदे के लिए कर रहे हो। उनको सोचने दो, वो तो हर टाइप के लोग दुनिया में मौजूद है, कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे। कुछ आप कुछ भी करो, आप अच्छा करो तो भी बुरा सोचेंगे, आप बुरा करोगे तो बुरा सोचेंगे ही। लेकिन अगर फिफ्थ हाउस के साथ जुपिटर कनेक्टेड है, तो आप हमेशा लोगों के लिए करोगे, सोसाइटी के लिए कुछ करके जाओगे, औरों के लिए कुछ करने का मनसा रहेगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होंगे। मैंने कहा ना, मोटिवेशन देखा जाता है। तो जैसे जुपिटर कनेक्टेड होगा तो स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होंगे आप, जैसे मार्स कनेक्टेड हो गया तो सेल्फ मोटिवेटेड। मार्स देह को दर्शाता है, मतलब ये जो शरीर है, तो सेल्फिश बनाएगा आपको। आप जो भी करोगे खुद के लिए ही करोगे। आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो काम करेगा, खुद के लिए काम करेगा। आप जो डिसीजन लोगे, वो खुद का स्वार्थ अगर जुड़ा नहीं होगा, वो उसमें आप डिसीजन नहीं लोगे। ये सिर्फ मार्स की वजह से नहीं, कोई भी मेल्फिक प्लैनेट अगर फिफ्थ हाउस के साथ जुड़ जाता है, यही होता है। बेनिफिक प्लैनेट में से एक प्लैनेट थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, जैसे कि वीनस। वीनस अगर फिफ्थ हाउस के साथ जुड़ जाता है तो वो भी आपको सेल्फिश बनाता है, लेकिन आप हार्मफुल नहीं रहते हो दूसरों के लिए, दूसरों के लिए निंदा नहीं करते हो। आप सिर्फ अपना ही चीज़, मतलब अपना मतलब निकलने से मतलब है, ना किसी को नुकसान पहुंचाओगे ना कुछ। आप ज़्यादा सेंशुअल हो जाते हो, सेंशुअल प्लेजर्स के पीछे भागते हो, एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हो। हाँ, क्रिएटिव भी होते हो, लेकिन वो क्रिएटिविटी को लेके कुछ करोगे ऐसा नहीं है। आप क्रिएटिव लवर होते हो, आर्ट लवर होते हो। ये जो जो लोग दूसरों के आर्ट खरीदते हैं, अपने घर में लगाते हैं, ये लोग वीनुशियन लोग हैं। फिफ्थ हाउस के साथ वीनस कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, मतलब ये लोग अप्रिशिएट करते हैं आर्ट को। इनके अंदर आर्ट का बहुत अच्छा सेंस है, अच्छा आर्ट क्या होता है, बुरा आर्ट क्या होता है, वो उनको उनको पता है ये चीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो खुद नहीं जाएंगे वो आर्ट को क्रिएट करने के लिए, वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसको फाइनेंस कर सकता है कोई भी, मान लो मूवी हो, कुछ हो, जिसमें कोई क्रिएटिविटी आ रहा है, क्रिएटिविटी का से एक्सप्रेशन होगा, तो उसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन खुद जाके उसमें मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्लेजर चाहिए भाई दुनिया में। उसका मेंटल स्ट्रक्चर बना ही ऐसे है,
फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस का, फोर्थ हाउस से जो माइंड देखा जाता है, मेरा फोर्थ हाउस का वीडियो देखो, मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फोर्थ हाउस से जो माइंड देखा जाता है उसका सेकंड हाउस फिफ्थ हाउस है। मैंने क्या कहा था, सेकंड हाउस किसी भी हाउस से उसका धन का हाउस है, वेल्थ। वेल्थ जो सेकंड हाउस से देखते हो आप, वो वेल्थ मनी के फॉर्म में आता है, लिक्विड कैश के फॉर्म में आता है। लेकिन हमेशा वेल्थ मनी ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हमारी जिंदगी में और भी सारी चीजें हैं जो वेल्थ है। एक इंसान एक अच्छा मूवी बनाता है, वो उसका क्रिएटिविटी है, वो उसका क्रिएटिविटी है, उसके थ्रू वो पैसा कमा रहा है। पैसा उस वो अपना क्रिएटिविटी का भूख तो मिट ही रहा है, उसका कुछ क्रिएट करने का भूख तो उसको मिट ही रहा है, साथ साथ उसको पैसा भी मिल रहा है, उसको वो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, क्रिएटिविटी के थ्रू। तो पैसा ही सिर्फ वेल्थ नहीं होता है। तो कोई भी हाउस से उसका सेकंड हाउस उस पहला हाउस का वेल्थ का हाउस होता है। तो मन का जो धन है वो क्या है, बाहरी क्षेत्र में देखोगे मन का धन क्या है, मन का धन है आपका एंजॉयमेंट। मन एंजॉयमेंट चाहता है ना, मन उसको धन समझता है। आप जैसे पैसा इकट्ठा करते हो वो आपका सेकंड हाउस है, आपका बैंक बैलेंस है, क्योंकि आप चाहते हो पैसा हो, मन चाहता है एंजॉयमेंट हो, तो मन का धन का हाउस वो फिफ्थ हाउस है। एंटरटेनमेंट चाहता है मन, मन मन के अंदर जो जो चीजें है वो उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, ताकि वो चाहे कि मुझे कोई, मुझे भी लोग बोले कि हाँ मैं भी कुछ हूं, मैं भीड़ में ना खो जाऊं। हर बंदा चाहता है कि मैं भीड़ में ना खो जाऊं, इसलिए कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ करने की चक्कर में रहता है, क्योंकि भीड़ में खोना किसी को नहीं पसंद है। तो फिफ्थ हाउस क्या करता है, ये जो आपको भीड़ में खोने का, जो भीड़ में जो आप खोना नहीं चाहते हो, आपको दुनिया के सामने लाता ही है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है वो स्टेज जहां पर आप परफॉर्म करते हो दुनिया में। दुनिया में जो आप परफॉर्म करते हो जिस स्टेज के ऊपर, वो है आपका फिफ्थ हाउस, जो दुनिया के सामने परफॉर्म करते हो। सामने सब सामने आपके सामने स्टेज के सामने सब सीट में बैठे हैं लोग, आप परफॉर्म कर रहे हो, वो है आपका फिफ्थ हाउस। ये परफॉर्मेंस के थ्रू क्या मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा, फॉलोअर्स मिलेंगे, आपका हर वो मन का जो चीज़ है, खुद को यूनिकली दुनिया के सामने रखने का जो मनसा है वो पूरा होगा। जैसे ही मैंने कहा कि मन का धन का हाउस है ये, तो मन का और एक धन है, वो है प्यार। प्यार भी मन का ही धन है, प्यार भी मन का ही धन है। मन चाहता है कि कोई मुझे प्यार करे, या मेरे जगह मुझ में वो प्यार का एग्जिस्टेंस हो, क्योंकि उसको एक चीज पता चल गया है कि प्यार से अल्टीमेट सुख मिलता है। अभी प्यार दो फॉर्म में होता है, दोनों ही फॉर्म इस हाउस से देखा जाता है। एक है सेंसुअल प्यार, जो फिजिकल प्यार की तरफ आप भागते हो, मतलब किसी लड़का हो या लड़का होगा तो लड़की के पीछे भागेगा, लड़की होगा तो लड़के के पीछे भागेगा। आजकल लड़का भी लड़के के पीछे भाग रहा है, लड़की भी लड़की के पीछे भाग रहा है। तो आप अपने फिजिकल प्यार को पाने के लिए जिस जो करते हो, वो भी फिफ्थ हाउस है। और जब आप स्पिरिचुअल प्यार के पीछे भागते हो, स्पिरिचुअली प्रेम में इन्वॉल्व होना चाहते हो, उसको भक्ति कहा जाता है। तो एक तो हो गया फिजिकल प्यार, जो एक फिजिक के पीछे भाग रहे हो, एक शरीर के पीछे भाग रहे हो, वो उसको इस दुनिया में रोमांस, लव, ये सब नामों से जाना जाता है। आप जब भी स्पिरिचुअल प्यार के पीछे भागते हो, स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होते हो, उसको कहा जाता है भक्ति, जो मीरा को हुआ था। तो ये दोनों ही टाइप का प्यार, दोनों ही लेवल का प्यार एक ही हाउस से देखा जाता है। मैं आगे जाके हाउस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा, तब जान पाओगे। ऑलरेडी लव अफेयर्स के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हो, मेरे चैनल में ही है, बहुत डिटेल में लव अफेयर्स के बारे में बात किया है मैंने उधर। तो ये लव अफेयर्स, जो फिजिकल लव अफेयर्स है वो भी इस हाउस से देखा जाता है। जो लव अफेयर्स आपका उस शक्ति से जोड़ता है, वो अल्टीमेट शक्ति से जोड़ता है, जहाँ से हम सबका उत्पत्ति हुआ है, सृष्टि हुआ है, वो लव भी इसी हाउस से देखा जाता है। और इसी के कारण स्पिरिचुअलिटी का जो मोक्ष कारक जो हाउसेस है, जो फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ है, उनमें से फोर्थ का धन स्थान, मैंने कहा ना फोर्थ हाउस का धन स्थान है, मतलब जो धन है, वो जो वेल्थ है, जो लिक्विड कैश के फॉर्म में नहीं है लेकिन वो बहुत बहुत बड़ा वेल्थ है, वो ये फिफ्थ हाउस है। और इसी के कारण फिफ्थ हाउस से मंत्र,
का सिद्धि भी देखा जाता है। इस हाउस के ऊपर बेस करके ही देखा जाता है कि आप कौन से मंत्र से दीक्षा आपको लेना चाहिए या कौन से मंत्र आपके गुरु मंत्र होना चाहिए। गुरु अगर एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज उनके पास है, जो पहले ज़माने में मैक्सिमम गुरु के पास होता ही था, वो पहले देख लेता था कि आपका रूट किससे कनेक्टेड है, कौन सा मंत्र है, जिसे बीज मंत्र कहते हैं ना, वो बीज ही बड़ा होकर एक वृक्ष बनता है, फैलता है और सारे बीजों को जन्म देता है वो। तो ये जो पहले बीज आपके मन में रखा जाएगा, वो बीज क्या है, रूट क्या है आपका, वो ये रूट को ढूंढने जाओगे तो ये फिफ्थ हाउस आपका और एक चीज़ को दर्शाने लगेगा, वो है आपकी पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ से आप कौन सी चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड हो, उसके प्रति ही आपका डिवोशन ज़्यादा जाएगा। तो ये जो डिवोशन, मंत्रा, मंत्र सिद्धि, ये सब ये फिफ्थ हाउस का मैटर है। जैसे ही मैंने कहा कि रूट कनेक्टेड, रूट को देखना होता है, गुरु रूट देखता है, कौन से रूट से आप कनेक्टेड हो, वो आपका फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस को ठीक तरह से एनालाइज करने से आपके रूट का पता चलेगा। वैसे ही वो रूट, जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, तो इस हाउस से ही आपके पास्ट लाइफ का जो अच्छे कर्म है और बुरे कर्म है, दोनों ही इस हाउस को एनालाइज करने से पता चलता है।